नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को गूंगन मशानी के बारे में बताऊंगा, यानी एक बेजुबान गूंगी मशानी। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि गूंगी मशानी कहते किसे हैं, किसे बोलते हैं गूंगन मशानी, कौन है ये गूंगन मशानी? ऐसा नाम जिसको सुनकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसके बारे में सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी कि कौन है ये गूंगन मशानी, जिसके बारे में आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा। गूंगन मशानी जो महाकाली माता है, जो 10 महाविद्या में सर्वोपरि है। महाकाली के कई सेवक गण होते हैं, कई वीर होते हैं, कई जोगनियां होती है, लेकिन जो मुख्य रूप से होती है वो योग माया और माता मदानन कहते हैं। ये जो माता मदानन है, इसी की सेवा में 360 मशानियां तत्पर हाजिर रहती है। 360 मशानियों को संपूर्ण रूप से देवियां नहीं कहा जा सकता। इनमें कई अच्छी शक्तियां और कई बुरी शक्तियां भी होती है। इनकी उत्पत्ति केवल योग माया और माता मदानन की सेवा के लिए ही उत्पन्न किया गया है। ना वो भूत है, ना वो पिशाच है, ना वो प्रेत है, वो केवल एक अलग प्रकार की ही योनि है, इसीलिए उन्हें मशानी कहा जाता है। 360 प्रकार की मशानियां होती है, जैसे हाड़ मशानी, गूंगन मशानी, ठाकुरी मशानी। जैसे ठाकुरी मशानी किसी पर अगर चला दी जाए तो वो जाकर सामने वाले के छत पर बैठ जाती है, उसकी चौकी केवल छत पर ही लगती है। ये ठाकुरी मशानी किसी भी प्रकार के भूत, प्रेत, जादू टोना घर में आने नहीं देती, जैसे अच्छा कार्य करती है। इससे सबसे अलग मशानी अलग अलग प्रकार का कार्य करती है। हर मशानी का कार्य अलग है। कुछ अच्छी शक्तियां मशानी होती है, कुछ बुरी शक्तियां मशानी होती है। जैसे हाड़ मशानी, हाड़ मतलब हड्डियां, अगर किसी दुश्मन पर लगा दो तो दुश्मन को ऐसा हाल कर देगी कि उसको डॉक्टर भी नहीं पहचान पाएगा कि इसको आखिर बीमारी क्या है। बदन के जोड़ जोड़ हड्डी हड्डी तोड़ कर रख देगी, सारे खून का पानी बना देगी। और गूंगन मशानी की अवधि केवल 30 दिन की होती है। इसमें आदमी पूरा सड़ने लगता है, उसके शरीर के आसपास बदबू आना शुरू हो जाती है, वो इंसान सूखने लगता है। गूंगन मशानी बहुत गंदे तरीके से मारती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको केवल अघोरी और कपालिक के अलावा दुनिया का कोई भी बाबा या पंडित, तांत्रिक, औजा, मौलवी निकाल नहीं पाएगा और ना ही पहचान पाएगा कि आखिर इस इंसान को हुआ क्या है। इस गूंगन मशानी को अघोरी और कपालिक ही किसी के शरीर पर लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बोलती नहीं है। जी हाँ, वो गूंगी है, कितना भी शरीर पर हाजिर कर लो वो बोलेगी नहीं। इस गूंगन मशानी को अघोरी और कपालिक ही किसी के शरीर पर लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बोलती नहीं है, वो गूंगी है, कितना भी शरीर पर हाजिर कर लो वो बोलेगी नहीं, क्योंकि वो बेजुबान और गूंगी है। केवल अघोरी ही देख सकते हैं और कपालिक। ये वचन की इतनी पक्की होती है कि वो कभी नहीं बोलेगी कि उसको किसने भेजा है, और दूसरे की बात वो बोलती ही नहीं, क्योंकि वो गूंगी है। इसको केवल महाकाल का जो सिद्ध साधक होता है, जिसने महाकाली की कम से कम 12 साल सेवा किया हो, या तो वो अघोरी हो या कपाली, जिसने महाकाली की साधना की हो, आरती की, रक्षा कवच आराधना प्रतिदिन करता हो, वही साधक इसका निवारण कर सकता है। इसको केवल महाकाली ही उस मनुष्य के शरीर से आजाद कर सकती है। ये किसी भी देवी देवता की बात नहीं मानती, ये केवल महाकाली की आज्ञा ही मानती है। इतिहास गवाह है इसका। इसकी बहुत सी कहानियां हैं जो कई लोग शायद सुन चुके हैं
और कई लोग इस दौर से गुजर चुके हैं। यह मशानी सभी शमशान में नहीं पाई जाती, यह केवल सिद्ध शमशान जैसे हरिश्चंद्र घाट, बनारस का मणिकर्णिका घाट, उज्जैन का ओमकारेश्वर घाट, भूतनाथ का शमशान घाट, नासिक का त्रिंबकेश्वर शमशान घाट या कोलकाता का काली घाट या नीमतला घाट, इन्हीं शमशानों पर इसको सिद्ध किया जा सकता है और इनका निवास स्थान केवल यही माना गया है। तकरीबन 50 से 60 साल पुराना शमशान घाट हो, जहां नित्य रोज मुर्दे यानी शव जलाया जाता हो, इसीलिए अघोरी और कपाली ही इसके जानकार है। ये यही ज्यादातर पाए जाते हैं। ज्यादातर अघोरियों की जो विद्या होती है वो पराकाष्ठ कहलाती है, पराकाष्ठ तक पहुंचने की क्रिया होती है। पराकाष्ठ का मतलब होता है चरण सीमा तक पहुंचना, यानी अति श्रेष्ठ विद्या को पाने की प्रक्रिया को पराकाष्ठ कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट नंबर से पास होना है, उसे पराकाष्ठ कहा गया है। एक मशानी भी अगर सिद्ध हो जाए तो समझ लो कि आप माता मदानंद तक पहुंच गए। अगर आप माता मदानंद तक पहुंच गए तो आप बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। तब आप एक जिन नहीं हजारों जिन्नों को अपना गुलाम बना सकते हो। आप मशानी को देवी देवता की कोटी में न गिने, यह केवल माता मदानंद की सेविका है। इसके अंदर विशिष्ट गुण धर्म है, विशिष्ट गुण धर्म शक्तियां परमात्मा ने इनको दी हुई है। यह केवल महाकाली के अधीन ही रह सकती है और उनकी सेवा करती है। जिसने महाकाली की प्रशंसा प्राप्त की हो या वचनबद्ध हो या वचन प्राप्त किया हो, वो ही केवल इस मशानी का निवारण कर सकता है। ऐसी एक गुंगन मशानी का निवारण मैंने अपने प्रिय मित्र श्री विश्वनाथ जी महाराज, नवसारी जिले महाकाली कृपा मठ के संत, जिनके साथ रहकर मैंने साक्षात अपनी आंखों से उस व्यक्ति को इनके हाथों से ठीक होते देखा था। वो दृश्य, वो मंजर आज भी मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने नजर आता है। यदि आप भी किसी प्रकार की मशानी या अघोरी विद्या या भूत प्रेतों से परेशान है तो आप श्री विश्वनाथ जी महाराज को संपर्क कर सकते हैं। गुजरात नवसारी जिला में उनका मोबाइल नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। फोन करने का समय, मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही गुप्त और प्राचीन रहस्यों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।